देख के आप समझ गए हो कि आज मैं जो बात करने वाला हूँ, विदेश जाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखो आप। तो सही बात है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। विदेश हम किस लिए आते हैं? विदेश आने का दो पर्पस होता है। पहला नंबर एक बिजनेस पर्पस, दूसरा पर्पस जॉब के। बाकी तो टूर ट्रेवल्स का तो दूसरा बात है, आप टूर ट्रेवल कर सकते हो, मुश्किल है उसके लिए। लेकिन ज़्यादातर हम लोग इंडिया से जॉब के लिए आते हैं। ठीक, जॉब के लिए जो हम लोग आते हैं खास करके मिडिल ईस्ट यूरोप कंट्री। तो चलिए हम ये टॉपिक पे जब बात जो कर रहा हूँ आज, तो मिडिल ईस्ट कंट्री किसको बोलते हैं? मिडिल ईस्ट एक अरब देश होता है और यूरोप कंट्री ऑस्ट्रेलिया होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप ये चीज़ को देखना कि जो हम लोग विदेश जो आ रहे किस लिए आ रहे, कि 2 रुपये ज़्यादा कमा सकें। क्योंकि हमारे इंडिया में या हमारे मुल्क में कहीं से जिस जगह से हो, कोई बंदा चाहता है हम अपने परिवार को आगे डेवलप करें। अगर हमें 8,000 रुपये की सैलरी अगर इंडिया मिल रही है, ठीक, अगर हम यूरोप कंट्री अगर जाते हैं या मिडिल ईस्ट कंपनी जाते हैं तो उसका 3 गुना पैसा यानी 24,000-30,000 मिलता है 8 इंडिया ड्यूटी का। तो इसलिए लोग कम समय में ज़्यादा डेवलप करने के लिए यूरोप कंट्री और मिडिल ईस्ट कंट्री आते हैं। तो अब हम बात करते हैं लोग आते कैसे हैं, विदेश लोग जाते कैसे, विदेश में जॉब कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, तो मैं जो पूरा क्वेश्चन आपको हल कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट बनाना है। पासपोर्ट बन जाए तो उसका सी बनाना है। फिर बोलोगे यार पासपोर्ट बन गया, सी बन गया, अब कहाँ कैसे क्या करें? अब मैं आपको बताता हूँ जो विदेश कहाँ जाना है। पूरा वो विदेश जाने का पूरा समंदर है वहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 5 रुपया, मैं वीडियो मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 5 रुपया मैं आप विदेश जा सकते हो, सिर्फ 5 रुपया। ठीक, तो मैं बताता हूँ 5 रुपये कैसे होंगे, बताता हूँ आपको। आप पहले नंबर आप एक काम करना, पासपोर्ट हो जाए, सीबी हो जाए, ये दोनों जब आपके पास रेडी हो जाए, आपके पास मुंबई नज़दीक होता हो मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, कोलकाता जाओ, बड़ौदा जाओ, सूरत जाओ। ये 5 जगह का जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये समंदर है इस जगह का विदेश जॉब का। सबसे बड़ा समंदर मुंबई है, महानगरी मुंबई। आप अगर मुंबई जाओगे तो 5 रुपये विदेश की जो मैंने पहले बात की थी, एब्रोड पेपर आता है, एक बुधवार को आता है और एक सैटरडे को आता है। आप उस पेपर को लेना, उस पेपर को आप शॉप से खरीदना और जैसे उसमें रिक्वायरमेंट देखोगे आप, रिक्वायरमेंट आती है कि अगर मान लो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का काम है, आप इंजीनियर हो, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, किस ऑफिस में अभी जाने, कैसा ऑफिस, कौन सा नहीं है। तो मैं कुछ ऑफिस का नाम बताता हूँ आपको, जैसे केसिया पावर हो गया, बीटा हो गया, इंडोमान हो गया, एम घीवाला, एफ घीवाला, जेरी बैरिसर्स, साउंड लाइन, ये सब ऑफिस हो गया। रिक्वायरमेंट देखते जैसे कि आपने रिक्वायरमेंट देखा, हाँ भाई आगे रिक्वायरमेंट, मैं इस लेवल का हूँ, इंजीनियर हूँ या मैं लेबर हूँ या मैं हेल्पर हूँ या इलेक्ट्रिशियन हूँ, प्लम्बर हूँ। आपने रिक्वायरमेंट देखा, उस पर डेट लिखा होता है कि आज डेट ये है और इस डेट को आपका इंटरव्यू है, ठीक, और आप आ सकते हो, और संडे टू फ्राइडे और संडे ओपन को लिखा हुआ रहेगा 9 AM to 6 PM। ओके भाई, तो ये डेट रहता है, उस डेट को जब देखोगे उस डेट को जाकर आप अपना इंटरव्यू मारो। इंटरव्यू मारने लोग बहुत सारे लोग पूछते सर इंटरव्यू हम कैसे फेस करें। इंटरव्यू फेस करने के सबसे पहले देखो आपको क्या होना चाहिए, आपने सीवी बनाया, पासपोर्ट बनाया, रिसेप्शन काउंटर पर जाओ। अब जैसे कि मान लो मैं एक ऑफिस गया, मैं कोई ऑफिस गया, घी वाले ऑफिस के पास गया, साउंडलाइन गया, रिसेप्शन काउंटर होता है, रिसेप्शन काउंटर पर जाने के बाद अपना पासपोर्ट सीवी देते हैं, उनसे पहले पूछते सर हेल्पर का रिक्वायरमेंट है आपके पास, बोलेंगे जी बिल्कुल है। आप अपना पासपोर्ट सीवी उनको दे रहे हो, देने के बाद वो फॉर्म फिल करते हैं कंपनी का, जिस कंपनी में आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक, वो फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद वो आपका पेपर जाता है क्लाइंट के पास, क्लाइंट के पास जाने के बाद आपका नंबर आता है, तो आपसे पूछता है कि आप कौन से ट्रेड में जाना चाह रहे हो, आपका आपने क्या क्या जो सीवी में जो मेंशन कर रखा होता है क्वेश्चन कि हाँ मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं वो काम कर चुका हूँ, तो आप जितना सीवी में चीज़ मेंशन कर रहे हो वो सारा चीज़ वही आपसे पूछेगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं पूछेगा। आपको जवाब देना, अगर आपको वो जवाब से वो सर्टिफाइड हो गया, 10 क्वेश्चन से वो खुश हो गया, तो आपको क्या करेगा, पासपोर्ट आपका रख लेगा, जो पेपर का जो फॉर्म भरा था आपने पहले उसी पे आपका एग्रीमेंट होगा, वही पेपर एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट ओके कर देगा आपको, ओके, तो आपका पासपोर्ट रख लेता है। फिर आपको बोलेगा 10 दिन बाद आपका मेडिकल है, आप मेडिकल करवाओ, मेडिकल हुआ, फिर वीज़ा आपका प्रोसेस में लगता है, वीज़ा जैसे मेडिकल आपका फिट निकला तो वीज़ा प्रोसेस में जाता है, वीज़ा प्रोसेस हो गया तो फिर क्या करता है आपका, आपको फ्लाइट का टिकट देता है, ऑफिस का जो चार्ज होता है 25,000-30,000 जो भी वो अपना चार्ज लेती है, आपको फिर फ्लाइट होता है उस कंपनी में आप जाते हो, ठीक भाई। तो ये प्रोसेस होता है, मैंने बोला 5 रुपये में, विदेश कैसे है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, विदेश किस ऑफिस से है वो भी बता रहा हूँ, यानी कि आपको मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ चीज़, ताकि आप समझ सको।
तो मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी वीडियो अगर आप फैमिली को देखना तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ आप लोग के थ्रू। तो आप लोग बस इतना से कर सकते हो कि प्लीज़ एक वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली मेम्बर में जो आने चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं कि विदेश जो हम लोग आ रहे हैं, कंपनी में भी आ गए, पैसे तो इनको सही से कमा रहे और दूर पे घर भेज रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया अपना विदेश आने का पर्पस, ठीक भाई। तो विदेश में जैसे आपसे पूछेगा क्लाइंट कि आपने जो एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट पर 6 महीने का यानी कि लॉन्ग टाइम जॉब है या सेट डाउन जॉब है, वो आपको बता देगा कि सेट डाउन जॉब 3 महीने 6 महीने का होता है, लॉन्ग जॉब 1 साल का होता है और 2 साल का होता है, उस पर आपका एग्रीमेंट पर रहेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ प्रोसेस होता है आपका। तो विदेश आप इस तरीके से आ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट से पूछते हैं, सर विदेश आना तो चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपकी सेवा में हूँ सर, आप कभी टेंशन ना लें, मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ। आप पासपोर्ट सी बनाएं, आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आपका जो नज़दीक पड़ रहा हो स्टेट, मैं तो फिलहाल बोलूँगा आप लोग को आप मुंबई आओ मेरे हिसाब से, क्योंकि मुंबई एक समंदर है विदेश जॉब का, एक समंदर है मुंबई, विदेश जॉब का समंदर है। यहाँ आपको हर जगह के बंदे मिलेंगे, हर स्टेट के बंदे मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हो, हाँ भाई ऑफिस सही है, क्योंकि देखो मुंबई एक ऐसा शहर है ना, वहाँ पे हर एक बंदे को मालूम है कि कौन सा ऑफिस कैसा है, और एक गढ़ है उस जगह का, ठीक, समंदर है मुंबई विदेश जॉब के लिए। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मुंबई आना, मुंबई में आपके अगर रहने की व्यवस्था हो तो अच्छा है, नहीं रहने की व्यवस्था तो कहीं एक लॉज में 2-4 दिन रुक जाना, 500-600 रुपये खर्चा होगा, आप वहाँ से आके फिर पेपर एब्रॉड पेपर पढ़ना, जाके इंटरव्यू देना, फेस करना, अगर सिलेक्शन हो तो मुश्किल नहीं है, फिर ट्राई करना, उसमें कोई भारी बात नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ यार घास पीट के ऐसे वैसे नहीं, और कंपनी आएगी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी आएगी, उसमें कोई पंगा नहीं है, अपने आगे इससे पंगा नहीं है। विदेश जॉब जो होता है नॉर्मल एक प्रोसेस हो जाता है, आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम विदेश जॉब के लिए आते हैं, ठीक भाई। तो मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि विदेश आने का जो प्रोसेसर है, जो विदेश आना चाह रहे हैं, ठीक ना, तो इस तरह हम विदेश आ सकते हैं, ठीक भाई। तो मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया, अगर ना समझ में आया तो मुझसे कमेंट से पूछना, बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, साथ नहीं आ रहा, ठीक, ओके भाई। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम, तब तक आप घर पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और फॉरेन कंट्री आने के लिए सोच रहे हो, विदेश कंट्री, मिडिल ईस्ट या यूरोप कंट्री, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आओ, मुझसे पूछो सवाल, मैं आपके जवाब देने के लिए रेडी हूँ एनी टाइम, 24 आवर्स, कभी मुश्किल नहीं है। हाँ बाई चांस अगर मैं आपका मैसेज नहीं देखा हो, मुश्किल है मेरे लिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि आपका मैं रिप्लाई दूंगा 100% श्योर है, ओके भाई, थैंक यू सो मच।